आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जो हमारी पॉलिटी का जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये उससे रिलेटेड है। तो ये जो प्रेसिडेंट का वीडियो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, और ये 3-4 वीडियोस पार्ट में डिवाइड होगा। ये उसके फर्स्ट उसके सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए, इलेक्शन और इलेक्शन भारत के प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आने वाली लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी आर्टिकल को नहीं पिकअप करेंगे, हमें सिर्फ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो देखो कि दो भारत का जो प्रेसिडेंट है, इट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट को पीपल, जो भारत के लोग हैं, उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जा रहा है, इनडायरेक्टली चुना जा रहा है। देखिए, जब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेंस के पर्पज से जीएस के, तो हम लोग उसको ये भी पढ़ेंगे कि ये इनडायरेक्टली ही क्यों चुना जाता है और ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा क्यों नहीं चुना। आपने देखा होगा पीएम का चुनाव होता है, ठीक है, हर स्टेट के सीएम का चुनाव होता है पब्लिक के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए पब्लिक के द्वारा चुनाव क्यों नहीं किया जाता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। तो फिर कौन करता है, तो इसका चुनाव करता है बट बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रोल कोलाज, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोल कोलाज हमारे संविधान के द्वारा बना दिया गया है। इस कोलाज में जो 3 लोग आते हैं, ठीक है, ये केवल ये 3 लोग ही इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये 3 लोग कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आईएसपीसी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत के प्रेजेंट का इलेक्ट्रोल कोलाज होता है इसमें कौन कौन आता है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रल कोलाज जो होता है, ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें जो पहले फर्स्ट पर्सन कौन है, दोनों हाउसेस का, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स। अभी दोनों हाउस कौन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा से, LS and RS, ठीक है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, ठीक है, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही केवल पार्टिसिपेट करती है स्टेट में, चूंकि जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो भारत में ऐसे जो स्टेट्स हैं जिनमें SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कुछ में क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जो SLA का मेंबर होता है हम उसको MLA कहते हैं, उसको हम लोकल भाषा में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है उसको हम MLC कहते हैं, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ MLA पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। और तीसरा कौन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पॉन्डिचेरी, ठीक है। तो दिल्ली और पॉन्डिचेरी के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने एक चीज देखी, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप ऑप्शन से देखोगे ना क्वेश्चन जब मैं इसमें कराऊंगा, तो जहां जहां इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको आपको जरूर टिक करना है, इलेक्टोरल कोलाज होता है प्रेसिडेंट में, बट आपको बचना है किससे, किससे बचना है, आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो और नॉमिनेटेड मेंबर्स तो किसी भी हाउस के नहीं करेंगे, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर किसी का भी नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको 2 यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, तो जो अगला पैरा है ना, नेक्स्ट वाला पैरा, इसमें इसमें यही कह रहा है कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। और सिर्फ दिल्ली के भी, दिल्ली एंड पॉन्डिचेरी के भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक सिनेरियो आता है जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए स्टेट की, तब उस केस में क्या वो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, MLAs। तो यहाँ पे कह रहा है, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इवन इफ फ्रेश इलेक्शन टू द डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो भी हम जब तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले और जब तक उस स्टेट में फ्रेश इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक कोई भी मेंबर उसका पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में, वोटिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपको यहाँ पे लर्न करना है वो ये है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही पार्टिसिपेट करना, और जो सही ऑप्शन वो इलेक्टेड मेंबर्स का टिक करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात उठती है कि भाई जैसे यूपी, आप यूपी में देखोगे तो यूपी में 80 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है। वहीं कहीं सिक्किम है तो सिक्किम में तो केवल 1 सीट है, जो सबसे कम है पूरे भारत में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, यूपी में जो लोकसभा की सीट्स हैं टोटल कितने मेंबर्स हैं, 80, और सिक्किम में कितने हैं, केवल 1 सीट है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में यूपी के बाद जो सेकंड लोकसभा में सीटें हैं सबसे ज्यादा किस स्टेट की हैं, तो वो है महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर थर्ड स्टेट पूछा जाए लोकसभा में सीटों के मामले में, तो थर्ड है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कितनी सीटें हैं, 42, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स आपको बातें याद रखनी है कि यूपी में मैक्सिमम सीट्स हैं 80,
एंड नंबर टू महाराष्ट्र विच हैज 48 सीट्स इन द लोकसभा एंड इन द पार्लियामेंट सॉरी इन द पार्लियामेंट एंड थर्ड एंड थर्ड स्टेट इज वेस्ट बंगाल विच हैज 42 सीट्स इन द लोकसभा. ठीक है, तो लोकसभा में हम अगर देखेंगे तो ये हमारी जो सीटों का सब टॉप थ्री के स्टेट्स हैं यूपी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल. और अगर हम लोकसभा में सबसे कम सीट की बात करें वो सिक्किम से है तो केवल एक सीट है. तो आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि अगर सीटों का जब जो बंटवारा है वो इतना ऑड सा है, किसी में 80 किसी में 1 किसी में 13 किसी में कुछ, तो इनका वोटिंग का सिस्टम कैसा होना चाहिए. बंदे तो मिलकर 20 करोड़ की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वहीं सिक्किम में केवल एक सीट वाला बंदा अपने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वोटिंग में मतभाव में तो वोटिंग में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाई जाए. ठीक है, तो वोटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहां पे पार्लियामेंट ने क्या किया, नंबर ऑफ द वोट्स व्हिच इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू कास्ट एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला कि भाई हम एक फॉर्मूला निकाले, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वोटिंग कराएंगे. अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है. एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसका वोटिंग का एक फॉर्मुला निकाला गया. ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. तो अब जो उसका वोटिंग का फॉर्मुला किसके लिए फॉर्मुला है, वो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक एमएलए जो अपना वोट कास्ट करता है, एमएलए कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, जो एक एमएलए अपना वोट कास्ट करता है उसका जो फॉर्मुला इन्होंने तैयार किया कि जो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, याद रखना ये भारत की पॉपुलेशन नहीं, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को हमें डिवाइड करना है जितने इलेक्टेड मेंबर हैं. ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर किसमें, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक फैक्टर है 1/1000 से. ठीक है, 1/1000 से हम इस रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एमएलए की वोट निकल के आता है, एक एमएलए का वोट निकल के आता है. ठीक है, अच्छा ये तो हमने बात की एसएलए की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक वोट की ना, जो मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एमएलए का जो एक वोट होता है वो इतना पावरफुल होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की वोटिंग की. ठीक है, तो यहां पे देखो बोल रहा है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी की वोट की क्या कीमत होती है ना, कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. तो कैसे निकालते हैं हम एमपी का, एक एमपी का वोट कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखो टोटल वैल्यू, ऊपर वाले जो फॉर्मुला हमने लगाया ना, ये वाला एमएलए का वोट का फॉर्मुला, हम पूरे जितने भी स्टेट्स हैं सबके वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं और ऐड करते हैं. तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, ऑफ एन ऑफ ऑल एमएलए, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं उनके जो टोटल वैल्यू है उन वोटिंग का, उसको ऐड करो और इसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इससे डिवाइड कर दो. तो यहां पे देखो लिखा है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से. तो इस तरह से एक एमपी की वैल्यू निकल के आती है. ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. अभी जो नेक्स्ट है वो कह रहा है द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, जो भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है ये किसके अकॉर्डिंग, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हर एमपी का, हर एमएलए का एक अपना वोट कैलकुलेट किया जाता है, उसके बेसिस पे ये किया जाता है. ठीक है, आगे जब हम इसके कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे इस इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली में क्या सिंगल होता है या नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ए कैंडिडेट इन द ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर ए फिक्स्ड कोटा ऑफ द वोट्स. उसको एक फिक्स्ड कोटा भी चाहिए होता है, सिक्योर करना होता है, तभी वो केवल प्रेसिडेंट बन पाता है. ठीक है, तो भारत के प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कोटा होता है जीतने के लिए, वो कितना रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट्स वैलिड होंगे उसको, वैलिड वोट्स को, ठीक है, वैलिड वोट्स को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, और ये जो हमारा आंसर आएगा इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इसके क्वेश्चन में हम 1 ऐड कर देते हैं. तो ये होता है इनका इलेक्टोरल कोटा, इलेक्टोरल कोटा इसका, भारत के प्रेसिडेंट का. देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन से रिलेटेड, वो कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज, भारत के मेंबर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि सिस्टम ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अनडेमोक्रेटिक.
उन्होंने बोला कि कैसा सिस्टम है, एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये कैसा है, एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, और बोला कि भाई इसमें भारत में डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया हो गया होगा तो कितना सोच समझ के किया होगा कि इनडायरेक्ट ही रखना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या वैलिड पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में इसको आप लिख सकते हो, लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द इनडायरेक्ट इलेक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उसके रीजन क्या रखे, जो फर्स्ट पॉइंट है देखो, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन हार्मोनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एनशर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ठीक है, उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने कैसे सिस्टम को फॉलो किया है, यूके इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री सिस्टम को उठाया है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है भाई, भारत का जो आर्टिकल नंबर 74(1) कहता है, ठीक है, आर्टिकल 74(1) ये साइड में लिखा है, दो पढ़ो, द प्रेजिडेंट इज ऑनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। भारत का जो प्रेजिडेंट होता है वो सिर्फ क्या है, एक नाम का एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो रियल पावर्स है वो किसके पास होती है, द रियल पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है किसको, इसका हेड कौन होता है, भारत का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर भारत का प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है तो क्यों हम पूरे भारत की 121 करोड़ आबादी से उसका इलेक्शन कराएं, हम उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये तो पहला हमारे पास वैलिड रीजन हो गया कि भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा वैलिड रीजन क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली। एकदम सही बात है कि जो अगर इतना एक इंसान की वोटिंग करानी है और हम 120 करोड़ लोगों से वोटिंग कराएंगे, एक तो कॉस्टली पड़ेगा और टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग भी पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वास्ट साइज ऑफ द इलेक्टोरेट, ठीक है, भारत के जो इलेक्टोरेट है वो कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, यूपी और महाराष्ट्र जैसे। तो दिस इज अनवारंटेड कीपिंग इन व्यू डेट ही इज ओनली अ सिंबोलिक हेड। ओके, अभी हम इसके लास्ट पैरा पे आते हैं, द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टेड। ठीक है, ये जो हम बोलते हैं ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इलेक्शन का होता है भारत के प्रेसिडेंट का, ये भी ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों, क्योंकि नो वोटर हैज अ सिंगल वोट, किसी भी वोटर के पास सिंगल वोट नहीं, इसका मतलब एवरी वोटर हैज प्लूरल वोट। भाई एक जो एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होता है, सॉरी मेंबर होता है एमएलए, उस वो 80 जैसे 80 एमएलए है स्टेट में। ठीक है, तो वो कितनी भारत की पॉपुलेशन, यूपी की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूपी की 20 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या वो सिंगल वोट लेके जा रहे हैं, ये तो प्लूरल वोट हो गया। ठीक है, तो ये था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।